नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 की रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी अपडेट है। एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है एनएफआईआर की तरफ से। जो सीसीएन रेलवे कैंडिडेट हैं उनकी रिकॉर्डिंग, जो उनका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखा गया था उसको डिक्रीज करने की रिकॉर्डिंग एक ऑफिशियल लेटर एनएफआईआर के ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों हम फाइनली आ गए हैं जो एनएफआईआर की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग जानते होंगे रेलवे में दो तरह की यूनियन होती है, कि एनएफआईआर एक एआईआरएफ। यहाँ पर जो लेटर इशू किया गया है वो एनएफआईआर की तरफ से इशू किया गया है, यानी यहाँ पर जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैंस की तरफ से ये लेटर जारी किया गया। और दूसरा जो यूनियन होती है वो एआईआरएफ यानी ऑल इंडिया रेलवे मैंस फेडरेशन होती है। तो ये लेटर जो इशू किया गया है वो सीसीएन रेलवे कैंडिडेट के रिकॉर्डिंग लेटर इशू किया गया है। और ये लेटर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ही पब्लिश कर दिया गया, भेज दिया गया है। इसी के बारे में क्या यहाँ पर नोटिस, जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर नोटिस बोर्ड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाए। मैंने यहाँ पर चेक किया, ये नोटिस यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 11/11/2022 तक यहाँ पर नोटिस यहाँ पर पब्लिश किया गया है। और ये वाला आपका नोटिस जो 9/1/2023 को यहाँ पर पब्लिश किया गया था, ये देख सकते हैं एनएफआईआर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैंस। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया है और ये सब यहाँ पर देख सकते हैं। जो यहाँ पर जो इसका नोटिस, ये जो लेटर भेजा गया है वो यहाँ पर रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली को भेजा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो सेक्रेटरी ई सेक्शन जो देखते हैं उनके लिए यहाँ पर नोटिस दिया गया है। और ये सब सब्जेक्ट जो है एक्सप्लेनमेंट ऑफ द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस यानी सीसीएएच बाई आरआरसी एग्जामिनेशन अगेंस्ट 20% कोटा रिजर्वेशन के रिकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। यानी आपके जो रेलवे में अप्रेंटिस किए होते हैं उनके लिए जो 20% कोटा होता है आरआरसी ग्रुप डी भर्ती में, उसी के रिकॉर्डिंग यहाँ पर लेटर इशू किया गया। और ये लेटर में रिफरेंस दिया गया है जो रेलवे बोर्ड का लेटर, ये नंबर दिया गया है। इस आधार पर 13/4/2022 को ये लेटर इशू किया गया था रेलवे बोर्ड को, उसी के आधार पर इन्होंने ये रेफरेंस देते हुए बताया है कि उनमें जो आपके सीसीएन रेलवे कैंडिडेट हैं उनको आरआरसी ग्रुप डी भर्ती में 20% का कोटा और एनसीबीटी 1/3 का जो वेटेज दिया गया है वो चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। कि उसके आधार पर भी अगर इसमें जो रेलवे कैंडिडेट हैं उसके आधार पर जो आरआरसी स्कोर कार्ड जारी किया गया है उसमें जो उनका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखा गया था जो ईडब्ल्यूएस के लिए 40 और ओबीसी एससी एसटी के लिए 30 रखा गया था, उससे जो उनका मार्क्स डिक्रीज किया जाए ताकि वो जो रेलवे में अप्रेंटिसशिप किए हैं उनका जो 20% कोटा सीट की वैकेंसी के सीट खाली जा रही है उसको फुलफिल किया जा सके, इसी की रिकॉर्डिंग यहाँ पर लेटर किया गया। और इस लेटर में जैसे एग्जांपल में उन्होंने दिया है कि अगर आपका, जैसे अगर आप ओबीसी या एससी एसटी कैंडिडेट हैं, अगर उनका जिनका मार्क्स 29.50 या इसके आसपास या 29 नंबर बन रहा है या 29.1 बन रहा है, या जो जनरल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनका 39.50 ऐसा बन रहा है तो उनका मार्क्स पूर्णांक में जोड़ा जाए ताकि उसको आने वाली अगली अंक जो है, जैसे 39.50 के बाद जो अगली अंक 40 है उसको 40 पूर्ण मान लिया जाए और ये जो 39.50 रखा गया है इसको अगला अंक मांगकर इसको 30 कर लिया जाए, इस जिससे उनको जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखा गया ताकि उनको इस क्राइटेरिया में आ सके ताकि उनको डीबी के लिए बुलाया जा सके। ये चीज़ें इसी लेटर में इशू किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका हिंदी वर्जन भी है, मैंने आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। ये लेटर डॉक्टर एम रघवैया जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये इशू किया गया है, जो एनएफआईआर के जनरल सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये लेटर, ये कॉपी जो भेजा गया दोनों जगह भेज दिया गया। यहाँ पर कॉपी फॉरवर्ड देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो आरआरबी को भेजा गया है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईएन रेलवे बोर्ड को भी भेजा गया है दोनों जगह ये। और ये एक कॉपी आपको जनरल सेक्रेटरी यूनियन से ये
NFIR को भी दिया गया है। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका हिंदी वर्जन भी मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट किया है गूगल लेंस के और आप द्वारा, आप इसको मैंने लिंक भी दिया है, आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से भी पढ़ सकते हैं। और कम्युनिटी बॉक्स में इसको भी पोस्ट कर दूँगा और टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यानी जो CCN रेलवे कैंडिडेट हैं उनके लिए बड़ी अपडेट है, गुड न्यूज़ है कि अगर आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो रखा गया 30-40 वाला, वो अगर आप उससे कम भी लाते हैं तो भी आपकी चांसेस बन सकती है यहाँ पर। इसलिए आप DV के और मेडिकल के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये लेटर अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजा गया है। अभी इस पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्या एक्शन लेती है, इसके बाद जैसे ही इस पर रेलवे की तरफ से ऑफिशियल कोई लेटर जारी किया जाता है तो इस पर पूरा डिटेल में बात करें, क्योंकि यहाँ पर हिंदी वर्जन में भी ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं यही चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन किया गया है, जो जिनका जैसे 29.50 या थोड़ा उससे अधिक अंक प्राप्त किया है उसको अगला अंक मान लिया जाए, यहाँ पर बताया गया है उसको अगला अंक मान कर 30 पूरा कर लिया जाए, ताकि उनको 20% कोटा के तहत उन रिजर्वेशन में उनको फ़ायदा मिल सके और उनको ताकि उनको इस वैकेंसी में जो उनकी सीट खाली जा रही है उसके द्वारा उनको फुलफिल करके वैकेंसी को भर लिया जाए। और इसी के तरीके यहाँ पर ये तत्काल एक्शन लेने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजा गया है, इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर यह बताया गया रेलवे बोर्ड कृपया इस पर सराहना करें कि सम्मान नीति यह है कि योग्यता अन्यथा निर्धारित करने के उद्देश्य को अंश को अगला अंक ताकि पूर्णकित किया जा सके, इस मामले में अंकों का मूल्यांकन के लिए यह सिद्धांत लागू करने की आवश्यकता है। यानी यह बताया जा रहा है कि कोई एक ऐसी सिस्टम बनाए रेलवे बोर्ड ताकि एक ऑफिशियल लेटर जारी करे कि जिसमें यह बताए कि अगर जिसका आधार नंबर कम है या इससे कुछ पॉइंट में कम है तो उनको एक अगला पूर्ण अंक मानकर उनका सिलेक्शन किया जाएगा, ऐसा लेटर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इशू करने की बात कही जा रही है। तो इस पर आप लोग को फिर भी अगर आपके किसी भी प्रकार के डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। तो आप लोग जो CCN रेलवे कैंडिडेट हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो अगर पॉइंट या एक नंबर में पॉइंट या आधे नंबर से कम हो रहा है तो वो अपने DV और मेडिकल के लिए अपनी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, क्योंकि जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कोई भी एक्शन लिया जाता है तो इस पर तो आपको तत्काल कोई समय नहीं दिया जाएगा, तुरंत आपको DV के लिए बुला लिया जाएगा। तो आप लोग को इस तरीके के से आप नोटिस देख सकते हैं, तो आपको इस तरह के नोटिस में जो चीज़ मेंशन किया उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। धन्यवाद, कीप इन टच।